घटना लगभग 2 बजे घटित हुई है, 1:30 से 2 बजे के करीब, तब से लेकर के अब तक ये बताने की स्थिति में नहीं है कि दरअसल हुआ क्या एग्जैक्टली, कोई आधिकारिक बयान ही आकर के खुलकर दे पाए इस पे, अब तक ऐसा हुआ नहीं है। और इसलिए योगी सरकार से सवाल बनते हैं। 5 बजे के बाद आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस पर पहला पोस्ट, जबकि ये घटना इतनी बड़ी थी कि सरकार इसका एनालिसिस करने में नाकामयाब रही कि आखिर ये कितनी बड़ी घटना है। इसको कहीं ना कहीं अंदर खाने देखा गया, पहले चिंतन मनन किया गया और उसके बाद सरकार को कहना पड़ा कि क्या हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान सामने आया था 5:11 पर, और उसके बाद से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 134 मौतें और सोचिए बच्चे जिन पर अचानक से एक बड़ी भीड़ जिनके ऊपर चढ़ते हुए गुजर गई, क्योंकि सबको अपनी जान बचानी थी। ये हालात थे वहां पर, बेहद दर्दनाक स्थिति। हाथरस में ऐसा कोई धार्मिक समागम इससे पहले हुआ हो और तब इतनी बड़ी घटना हुई हो, इतने बड़े स्तर पर मौतें हुई हो, ये अब तक ऐसा कोई उदाहरण नजर नहीं आता। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसी दौरान उन तक जानकारी पहुंची तो उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए अपनी संवेदना भी जाहिर की। कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने बात भी की, उसके बाद उन्होंने बात भी की और कहा गया, साफ निर्देश दिए गए, हर संभव मदद जो घायल है उन तक पहुंचनी चाहिए। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बेहद अलर्ट नजर आ रहे हैं, बेहद सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा सकती है। एक दुखद खबर भी दी गई है, यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? बहुत सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो, जो अगर घायल हैं जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। तो अखिलेश यादव जिन्होंने सीधा सीधा कहा है राज्य सरकार की जिम्मेदारी पूरी घटना को लेकर है, प्रशासन क्या कह रहा था, क्या कर रहा था, ये देखिए। ये उस सत्संग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भीड़ जरा नजर डालिए, भीड़ देखिए कितनी भारी तादाद है। भारी तादाद में यहाँ पर राज्य जो उनके समर्थक चाहने वाले हैं वो सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी, हम टेक्निकलिटी जो है उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये भी एक कारण कि हम मेहमानों के साथ यहाँ बैठे हैं। पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए। पूर्व डीजीपी यूपी से, पूर्व डीजी है यूपी के भानु प्रताप सिंह जी, इसके अलावा विनय कुमार सिंह जी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी, संजय राणा जी मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। पहले मैं मानस आपके पास आ रही हूं। 134 मौतें जो लास्ट अपडेट सामने आया था, अभी क्या अपडेट मिल रही है? प्रशासन की तरफ से आधिकारिक कोई बयान आया हो, क्या कुछ कहा गया है, बताइए डिटेल्स। जी देखिए, ये आंकड़ा जो मैंने दिया है, ये आंकड़ा भी अभी इसको सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन चूंकि पुख्ता हो चुकी थी वहां पर चश्मदीदों के बयानों के आधार पर, इसलिए ये आंकड़ा दिया गया है। आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि चूंकि घटना स्थल पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों को भेजा गया है, साथ में
दोनों मंत्री भी वहां पर पहुंच रहे हैं। आगरा से निकल करके वो सीधे हाथरस की तरफ पहुंच गए, हो सकता है कि पहुंचने वाले होंगे। तो अभी तक का अपडेट ये है, फिलहाल अभी जो जानकारी मिली है ये मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, उसमें ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद सीधे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से बात कर रहे हैं, और साथ में जो दोनों प्रतिनिधि भेजे थे दोनों मंत्री उनसे बात की जा रही है और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। साथ ही ये भी उनसे कहा गया, दोबारा से निर्देशित किया गया है कि इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सौंपी जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इतनी बड़ी घटना है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बीच में अभी तक जिस बात की जानकारी हम लोग जुटाने की कोशिश कर रहे थे, अभी तक प्रशासन ने नहीं बताया कि जो आयोजक थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, या आयोजक किसने किया, किसने इस आयोजन के लिए आवेदन किया था। जहां तक बात ये जो भोले बाबा जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, दरअसल ये उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर हुए थे और इनका नाम विश्वहरि उर्फ भोले बाबा इनको कहकर के उसके बाद सत्संग करते, तमाम तरीके की तस्वीरें भी इनकी यहाँ पर अब सामने आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत थे, रिटायरमेंट लिया, उसके बाद सत्संग और प्रवचन का काम करने लगी और बाबा बनकर और आसपास के इलाकों में इनका अच्छा खासा इन्होंने प्रभाव जमा लिया। कासगंज के रहने वाले हैं मूल रूप से। तो अभी ये भी देखा जाना है कि आखिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और उसमें किस किस स्तर पर लापरवाही हुई। ये सब ऐसे तथ्य हैं जिन पर निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए और जांच होगी भी, उसके बाद किस तरीके की रिपोर्ट आती है ये भी अपने आप में देखना होगा। ये भी देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रशासनिक अधिकारी जिनकी गर्दन पूरी तरीके से इस पूरे मामले में फंसती नजर आ रही, क्योंकि इसमें कोई शक और शुबा बाकी नहीं बचा। जो तमाम तस्वीरें, जो तस्वीरों का बयान अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं, जिस तरीके के हालात वहां पर मौके पर, तमाम हमारे साथी जो न्यूज 24 के ग्राउंड पर जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे जो अपडेट हम लोग ले रहे हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि एक बड़ी भयंकर प्रशासनिक लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। सुरक्षा का वहां पर कोई इंतजाम नहीं किया गया था, किसी भी तरीके के हादसा होने पर किसी भी तरीके के फर्स्ट एड का वहां पर कोई इंतजाम नहीं किया गया था। अगर आग लग जाती उसका कोई इंतजाम नहीं किया गया था। आमतौर पर इतने बड़े आयोजनों में ये दो तीन चीजें बड़ी कॉमन सी होती हैं, जो कोई भी समझदार अधिकारी इसकी व्यवस्था करके चलता है। अगर भीड़ कहीं भी ज्यादा हो रही है, जरा मानस ये बताइए, ये सब कुछ हम जो बता रहे हैं वहां मौजूद सूत्रों के अनुसार से बता रहे हैं, चश्मदीदों की जबानी बता रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि अब तक आखिर ये घटना कैसे घटी, उसमें क्यों घटी, पुलिस की तैयारी कितनी थी, क्या अनदेखा किया गया, किस स्तर पर लापरवाही हुई, ये बातें बताने की स्थिति में अब तक प्रशासन क्यों नहीं है, किस बात का इंतजार किया जा रहा है। 1:30 बजे, लगभग 1:30 बजे की घटना, रात के 8:10 हो चले हैं, क्यों इंतजार किया जा रहा है। देखिए, बताने की स्थिति में तो अब इसलिए भी नहीं क्योंकि बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया कि बिल्कुल स्थानीय स्तर पर ये घोर प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। ये इसमें जितने दोषी प्रशासनिक अधिकारी हैं उससे कम दोषी पुलिस के अधिकारी नहीं जो स्थानीय स्तर पर वहां पर काम कर रहे थे, तो लिहाजा उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब सबको इंतजार है कि जो उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव हैं, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ही कार्यभार ग्रहण किया, मनोज कुमार सिंह, उनको वहां पर भेजा गया है, तो अब उनको उनके बयान का इंतजार है। और मुझे लगता है कि आधिकारिक बयान भी वही देंगे, क्योंकि जब वो मौके पर पहुंचे, हालांकि रास्ते में जरूर वो अधिकारियों से बात कर रहे होंगे, फीडबैक जरूर ले रहे होंगे, लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद जो भी हालात होंगे और जो अधिकारियों से बात होगी, मुझे लगता है उसके बाद ही आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा सरकार की तरफ से। यह माना जा रहा है कि मनोज कुमार सिंह जरूर वहां पर मीडिया को ब्रीफ करेंगे, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि इतनी बड़ी प्रशासनिक लापरवाही के लिए प्रथम दृष्टया तो किसी को दोषी ठहराया जाना चाहिए था, अभी तक इस पर कोई बात नहीं हो रही है। अब जिन भी लोगों से हम लोकल स्तर पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से बार बार यही कहा जाता है कि अभी इलाज हो रहा है, अभी प्राथमिकता है कि इलाज बिल्कुल निश्चित तौर पर जो घायल उनका उपचार होना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि उपचार में अगर इतनी देरी ना होती तो शायद इतनी जाने भी ना जाती। अगर वहां पर ठीक ढंग से व्यवस्था की गई होती, लोगों को सही समय पर इलाज मिल जाता, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद होती, डॉक्टर्स मौजूद होते, कुछ नहीं तो ये तमाम सवाल है और इसलिए इन्हीं सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसलिए मानस, आप हमारे साथ, खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है, आप बने भी रहिएगा मेरे साथ मानस। मैं पहले तो पूर्व डीजीपी जी जो हमारे साथ हैं उनके पास, भानु प्रताप जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, जरा ये स्थिति समझाइए और आप खुद अवेयर होंगे, आप देख रहे होंगे इस पूरी घटना को लेकर, जब अब तक 134 मौतें ये जो अनाधिकारिक तौर पर, और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है ये स्पष्ट है, तब सरकार ये बताने की स्थिति में नहीं है कि इतने घंटे हो गए आखिर क्या हुआ, इतना रोष है लोगों में, आक्रोश है, गुस्सा है,
तमाम बातें हो रही है, कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ ढंग से समझ नहीं आ पा रहा, तब ये चुप्पी क्या ये खलती नहीं है कि आप बताएं क्या हो रहा है, क्या किया आपने? देखिए, जब इतनी बड़ी घटना होती है, वो इतनी पीड़ादायक घटना होती है, जितनी इतनी अधिक संख्या में लोगों के हताहत होने की सूचना रहती है, तो प्राथमिकताएं होती हैं, जिसमें पहली प्राथमिकता ये होती है कि घटना के बाद जो तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, जैसे जैसा कि आपके स्पोक्स पर्सन भी बता रहे हैं मानस जी भी, कि पहले तो घायलों के इलाज का और जो मृतक हुए हैं उनके पोस्टमार्टम का और इन सब का भी व्यवस्था देखनी होती है। अच्छा, आप हाथरस एक बहुत छोटा सा जिला है, कुछ ही दशकों पहले बनाया गया है। आप समझिए कि जब ऐसी इतनी अधिक संख्या में डेथ होती है तो इनके पोस्टमार्टम की बहुत बड़ी चैलेंज होता है, बहुत बड़ा एक चुनौती होती है। एक अकेला जनपद इसको संभाल भी नहीं पाएगा, इनको दो तीन जनपदों में पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा या फिर बहुत सारी डॉक्टरों की टीम इनको बुलानी पड़ेगी। जैसा मौसम है उसमें शवों को प्रिजर्व करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अतिरिक्त जो घायल हैं उनको भी ये सब प्राथमिकता देनी होगी कि उनकी प्राथमिक चिकित्सा हो जाए और अच्छी चिकित्सा हो जाए, जिससे कि हताहत होने वाली की संख्या ना बढ़े। तो प्राथमिकता ये है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बयान आएगा और आज ही की तिथि में आ जाना चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता होना आजकल के समय में बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से जब जनता इस प्रकार की घटना होती तो एक वास्तविकता जानना चाहती है। तो मेरे विचार से जनपदीय अधिकारी और जो वरिष्ठ अधिकारी मुख्यालय से गए हैं वो सब सूचनाओं को एकत्रित करके और कुछ ही समय में, जैसा ये भी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वरिष्ठ अधिकारी कुछ न कुछ बयान आधिकारिक देंगे। सर, आपका अनुभव क्या कहता है? मैं आपसे पूर्व डीजीपी के तौर पर ये जानना चाहती हूँ, ऐसे आयोजन और तब इतनी ऐसी घटना हो जाना, जब आपको पता है बहुत बड़ी भीड़ आएगी, तब ऐसी घटना हो जाना, ये कितने बड़े और आपराधिक लापरवाही में कहूँ, किस स्तर की लापरवाही की ओर इशारा करती है? निश्चित रूप से ये प्रशासनिक असफलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में कोई भी घटना होती है तो इसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती हो। ऐसा नहीं कि ये कई सालों बाद हो रही है, लगातार होती रहती है। और जहां क्राउड मैनेजमेंट में भगदड़ या स्टैम्पीड जिसे हम कहते हैं, कि बहुत बड़ी संभावना रहती है, जिसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, इसमें रिस्क एनालिसिस करनी पड़ती है। और विचित्र बात यह है कि 2005 से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आ गया है, आपदा प्रबंधन अधिनियम आ गया है, जो उत्तर प्रदेश में भी लागू है। प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं बनती हैं, उनका प्रशिक्षण कराया जाता है, जिसमें क्राउड मैनेजमेंट या भीड़ नियंत्रण सर्वोच्च स्तर पर रहता है। इसमें आपको आकलन करना पड़ता है कि भीड़ कितनी आएगी, उनका प्रवेश द्वार किधर होगा, निकास द्वार किधर होगा, इमरजेंसी का द्वार किधर होगा, और जब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो वो उस समय सबसे ज्यादा इस चीज पे ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसी भगदड़ ना हो, क्योंकि जरा सी बात पे कोई अफवाह फैल जाए, कोई बात हो जाए तो उस पे रहता है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया मुझे सूचना मिली अपने सूत्रों से, तो यही है कि बाबा का कैवलकेड या कारकेड जो जा रहा था उस पे महिलाएं और बच्चे पैर छूने या जिस कारण से दौड़े हों, और मौसम ऐसा था कि वहां पे ऊंची सड़क थी, उसकी दूसरी तरफ एक कलवर्ट भी था, उसी में कुछ लोग गिर पड़े, गिरने से फिर भगदड़ मची और उसमें भगदड़ मची। वहां पे ना तो कोई एम्बुलेंस थी और ना प्रथम दृष्टया कोई ऐसी पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो ये आपका इस बात से एक पुलिस अधिकारी के रूप में मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी, और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, वो इंसान, वो जो सो कॉल्ड तथाकथित बाबा, अब उनका समागम होता है इतनी भारी तादाद में, और ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके अनुयायी जो है वो बड़ी तादाद में, बड़े चेहरे भी हैं, राजनेता भी हैं उसमें, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं उसमें, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में खास तौर पर, और जिस जाटव समाज से बड़ी तादाद में उनके अनुयायी हैं, और तब वो बाबा आजकल सोशल मीडिया के जमाने में देखिए गायब है, एक वक्तव्य तक नहीं आता, कोई अफसोस तक नहीं आती ऐसी कोई बात सामने, फिर ऐसे इंसान पर कार्यवाही करने में या क्या कार्रवाई होगी वो बताने में तक हिचक क्यों है? संजय राणा जी, आप मेरे साथ बैठे हैं, ये स्पष्ट उदाहरण है कि आखिर, और यही वो बाबा है, मैं फिर याद दिला दूं, कोरोना काल में प्रतिबंध के बावजूद इन्होंने भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा कर ली थी, और तब
तब इनके खिलाफ केस बना था और उसके बाद अब ये दोबारा देखने को मिला है, तो ये स्पष्ट उदाहरण है। हम नजरअंदाज करते हैं उन गलतियों का, खामियाजा इस रूप में सामने आता है। आशा जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फेलो पंच। देखिए, ऐसा है कि बहुत दुखद घटना है और किसी की भी मृत्यु हो, किसी भी तरह से घटना जो घटी है, तकरीबन 50,000-60,000 लोग बताए जा रहे हैं, तो पहले मैं तो अपनी सांत्वना व्यक्त करता हूँ मृतकों के लिए और जो जो घायल है उनकी जल्दी से रिकवरी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन देखिए, बाबा का बिल्कुल बाबा को आकर के जवाबदेही बनती है, बाबा को जवाब देना चाहिए और बाबा पे FIR भी होनी चाहिए। देखिए, अभी DGP साहब यहाँ पे बैठे हैं, जो कानूनी कार्रवाई होती है, जब भी अप्रूवल प्रशासन या शासन देता है तो उसमें पूछा जाता है कि आपकी भीड़ कितनी हो सकती है, तो संभावित नंबर इंसान बताता है, हो सकता 500,000 हो, 2,000 हो, लेकिन जिस तरह से भीड़ बताई गई तकरीबन 50,000-60,000, तो उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए भी तकरीबन 1,000 की संख्या में तो फोर्स होनी चाहिए थी। जो फोर्स है वो कहीं कम थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो प्रशासन को डिटेल्स पहुंचाई गई थी या अप्रूवल लेने के वक्त बताई गई थी वो कहीं ना कहीं गलत ही। नंबर वन। नंबर टू, अगर आपकी इस तरह की जब व्यवस्था होती है तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस होनी चाहिए। देखिए, हाथरस बहुत छोटा सा जिला, अगर 5 एम्बुलेंस भी होती तब भी 134 लोग की जो मृत्यु हुई है और जो घायल हो उस डिस्ट्रिक्ट में मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। तो अभी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है शासन और प्रशासन के लिए कि जो घायल है क्यों अलाउ किया जाता है। यही मैं बोला, सबसे बड़ी बात है कि जब अप्रूवल के लिए अप्लीकेशन आती है, मैंने बहुत सारे अप्रूवल भी लिए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम भी करवाए हैं, तो उसमें डिटेल्स देनी पड़ती, एक एक चीज का विवरण देना पड़ता है कि आप समागम हो रहा है या जो प्रवचन हो रहा है उसमें लगभग कितने लोग आएंगे, तो उस हिसाब से प्रशासन जो अप्रूवल देता है उस हिसाब से तैयारी की जाती है। जो हमारी इंफॉर्मेशन, तकरीबन 40-50 पुलिस फोर्स थी और जो जो घटना घटी है वो पानी पी रहे थे, उसमें से पैर फिसला, पानी भर गया था, कीचड़ के बहुत सी तो कह रही हूँ, आप भी अलग बात बता रहे हैं, भानु प्रताप जी अलग बात बता रहे हैं, हमने जो चश्मदीद के मुताबिक बताया वो ये बताया कि पीछे से धक्का लगा और बहुत संकरा रास्ता था जहां से एग्जिट होना था, गर्मी ज्यादा थी, लोग निकलना चाह रहे थे, फिर पीछे से जब धक्का लगा, धक्का लगते चला गया, बिल्कुल, फिर बिल्कुल भीड़ में ऐसा होता है। लेकिन भानु जी, मेरी बात में कोई अंतर नहीं है, भानु जी ने बोला कि प्रशासनिक फेलियर है, लेकिन प्रशासन पे सिर्फ प्रश्न चिन्ह लगा देना, शासन पे प्रश्न चिन्ह लगा लेना, अभी भी शोक्ति होगी, अभी बहुत जल्दबाजी होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये आपने खुद कहा, अभी आपने कहा, इस बात को आपने ही इंगित किया कि अगर ऐसे समागम होते हैं, इतने बड़े आयोजन होते हैं, तो बाकायदा रिपोर्ट दी जाती है कि हम ये आयोजन करने वाले, इतनी भारी भीड़ और तब आप परमिट कर रहे हैं, और जब आप परमिट कर रहे हैं तो आप 40-50 की तादाद में पुलिस देखिए लगा रहे हैं। आप किसी भी अधिकारी, कोई अधिकारी आपको ये नहीं देखता कि कितनी भीड़ आने वाली है। जब अप्रूवल प्रोसेस होता है 10-15 दिन पहले, महीने भर पहले लिया जाता है, एक हफ्ते पहले भी लिया जाता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, उस अप्रूवल में डिटेल्स बतानी पड़ती है, उसी हिसाब से पुलिस फोर्स डिप्लॉय की जाती है, यह सुविधाएं डिप्लॉय की जाती है। यहां पे सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह बनता है, मैं तो बोलता हूं उस बाबा पे बनता है जो अपनी अनुयायियों को, अपने श्रद्धालुओं को छोड़ के भाग गया और वो एक भी अपने, अरे भाई दुख तो व्यक्त कर मतलब सकता है, सोशल मीडिया में देखिए, सोशल सबसे बड़ा नहीं, प्रशासन पे भी सवाल है, लेकिन प्रशासन पे सवाल है, प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। पहले रूल्स का उल्लंघन कर चुका है, आप उसको फिर इजाजत दे रहे हैं। देखिए समाज में क्या हो गई है कि अगर कोई गड़बड़ी होगी किसकी जिम्मेदारी? देखिए गड़बड़ी, देखिए एक प्रशासन, अगर पुलिस की व्यवस्था की बात की जाए तो अगर 25 करोड़ जनता है तो आपके पास कितनी पुलिस फोर्स है? हमें लगता है 100 पे एक पुलिस का व्यक्ति होता तो आप हर जगह पुलिस नहीं पहुंचा सकते हैं। यही बोलता हूं कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। मैं आ रही हूं सर, आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले मैं भानु जी के पास जाना चाहती हूँ, एक सवाल का जवाब दीजिए। मतलब जैसा संजय राणा जी बता रहे, मुझे लगता है ऐसे आयोजनों में तो फिर ये 90% है कि ऐसी सिचुएशन होती है तो हालात बेकाबू होंगे। मतलब क्या हम ये मानकर चलते हैं? ऐसा संभव नहीं है कि ऐसे हालात होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन कुंभ जैसा मेला भी करा चुकी है, बिल्कुल, जो कि वे इस पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा भीड़ का एकत्रित होने का रिकॉर्ड है। तो ऐसी बात नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। ये निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर जैसा एक रिस्क एनालिसिस करनी चाहिए, जो प्रशासन करने में फेल रहा है, सफल रहा है, और जिस प्रकार से उनको पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, इसमें कोई बात नहीं। और इसमें उन्होंने प्रशासन स्तर पर एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, ADG आगरा जोन की। जानते हैं इंक्वायरी कमेटीज बनती है, आपने ही बताया, लेकिन क्या होता है उसके बाद? अगर कोई 2005 में मैनेजमेंट को लेकर के अगर कोई रूल रेगुलेशन आया भी तो फिर क्या होता है? रेगुलर मॉनिटरिंग होती नहीं है। हर क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं होती। एक बार बन गया उसको, उस किस हिसाब से उसको इंप्लीमेंटेशन हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, देखने वाला कोई नहीं होता। विनय जी, आपको याद आता है
ऐसा कोई वाक्या याद आता है इतने बड़े समागम में इस प्रकार की घटना हुई हो, इतने लोगों की मौत हुई हो? हमारे पास ऐसा कोई उदाहरण या नया नजीर बना है? देखिए मैं ऐसा जी बता दूं, जो ये घटना हुई है, पहले तो जितने लोगों की मृत्यु हुई है उनके प्रति हमारी संवेदना है और भगवान को या उनके परिवार को शक्ति दे कि यह दुख जो है सहन कर पाए, और प्रशासन और सरकार से निवेदन है जो घायल हुए हैं उनको अच्छे से अच्छा उपचार मिल सके, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, जब भी अभी भानु जी ने भी बताया, राणा जी ने भी बताया, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका परमिशन लिया जाता है, परमिशन लेने के बाद संख्या बल बताया जाता है, उसके बाद प्रशासन एनालिसिस करती है कि इतनी संख्या है तो कैसे पुलिस जाएगी, कहाँ क्या होगा, सारी चीजें होती है। तो इसमें सारी जिम्मेदारी पुलिस और वो जो जो कार्यक्रम करा रहे थे उनकी है, उन्होंने क्या संख्या बल सही बताया नहीं बताया, अगर नहीं बताया तो उनके ऊपर FIR होना चाहिए, तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, कि जो भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो करना चाहिए, क्योंकि वह एक व्यक्ति की नहीं, एक मानवता के हत्यारे हैं और इतने लोगों के मौत के सीधा सीधा जिम्मेदार है। जो लोग भी अगर संख्या बल उन्होंने नहीं बताया है तो बाबा सीधा सीधा इतने लोगों के मौत का जिम्मेदार है, इतने लोगों के घरों घर उजड़े हैं उसका सीधा जिम्मेदार है, और प्रशासन और शासन और सरकार से भी निवेदन करेंगे और इसी मानवता के नाम पे बिल्कुल उम्मीद हम भी यही करेंगे विनय जी कि होनी चाहिए कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कार्रवाई होते हुए, और इसी मानवता के नाम पर ही इस समागम का आयोजन भी किया गया था।